वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्रीज लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलीफ्लावर एंड मशरूम पनीर ग्रेवी। उसके लिए हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज आलू लिया है कट करके, और मसाले के लिए खड़े मसाले में यहाँ पे दालचीनी है, इलायची है और ब्लैक पेपर है, लवंग है, और यहाँ पे धनिया पत्ता भी कट कर लिया है। और उसके बाद हमने चॉप्ड वन मीडियम साइज चॉप्ड प्याज ले लिया है और वन मीडियम साइज टमाटर भी ले लिया है। दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया है, फाइन चॉप कर लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे पनीर ले लिया है। पनीर को स्मॉल स्मॉल पीस में क्यूब्स में कट कर लिया है। देखिए इस तरह स्मॉल क्यूब्स में कट किया है। और इसके बाद जो मशरूम है, मशरूम को भी हमने ऐसे कट कर लिया है। मशरूम को बहुत ही पतले स्लाइस में कट किया है। और यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर है उसे भी हमने स्मॉल पीस में कट कर लिया है और उसे पानी में भिगो के रखा है। पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डाला है, बिकॉज जितने भी डर्ट्स है वो निकल जाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे पैन में जो आलू थे उसे फ्राई करने रख दिया है। वहाँ यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आलू को हम अच्छे से शैलो फ्राई कर देंगे। इस समय यहाँ पे आलू को अच्छे से फ्राई करते वक्त हमें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। और उसके बाद फ्राई होने के बाद हमें इसे निकाल के फिर जो इसमें कॉलीफ्लावर है वो डाल देंगे। यहाँ पे ढकने के बाद यहाँ पे जो आलू और कॉलीफ्लावर है ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। निकाल के जो पनीर है जो हमने क्यूब्स करके रखा था उसे भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल में। यहाँ पे पनीर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम पानी, नॉर्मल पानी में इसे निकाल लेंगे। इससे सॉफ्ट, बहुत ही चीवी नहीं होगा। और इसके बाद जो मशरूम था उसे भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे भी थोड़ा सा नमक डाल के शैलो फ्राई करके साइड में रख देंगे। फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, कुकिंग ऑयल, यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने प्याज को सॉटे कर लिया है। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो खड़े मसाले थे उसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद जो स्पाइसेस है उसके लिए हमने यहाँ पे जो स्वाद अनुसार नमक लिया है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाला है। हल्दी मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, और जो रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर भी मैंने यहाँ पे हाफ स्पून डाला है। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो टमाटो है, चॉप टमाटो रखा था हमने, उसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ स्पून हल्दी लिया है, कसूरी मेथी डाला है इसमें, और सॉल्ट यूज़ किया है। सॉल्ट यहाँ पे भी हाफ स्पून डाला है। फिर यहाँ पे वन टीस्पून किचन किंग मसाला का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एवरेस्ट किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी दे के इसे अच्छे से ढक दे रही हूँ। और यहाँ पे जो मसाले हैं 10 मिनट्स के बाद बहुत अच्छे से हो चुका है। जो ऑयल है, मसाला का ऑयल रिलीज हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने फ्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम डाल देंगे, आलू, कॉलीफ्लावर, पनीर एंड मशरूम। जितना फ्राई करके रखा था हम सब डाल देंगे। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले में एक अच्छे सा बाइंड आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैंने वन बाउल पानी का यूज़ किया है। जितना आपको ग्रेवी थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा, और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से ढक के रख देंगे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया है, कलर में बहुत ही डिफरेंस दिखता होगा आपको। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है। आप इसे बीच में से स्प्लिट करके डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही होल डाल दिया है। और इसके बाद
यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको इसमें अमचूर पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है, अमचूर पाउडर ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा खटासपन के लिए इसमें डाला है। एंड फाइनली इसमें धनिया पत्ता डाल के इसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे और रेडी है हमारा डिश। ये रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।